ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमलावर मोड में आ गए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी है। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। आज माननीय पीएमओ इंडिया को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिसंबर 2022 में राज्य के अलग अलग वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के उद्देश्य से पारित विधेयक के अनुसार आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण बिल पर एक इंटरव्यू में कहा कि हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, हमने अब इसे विधानसभा से पारित किया है। केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा रही है और जब राज्य सरकार भर्ती करना चाह रही है तो हमारा आरक्षण बिल रोका गया है, इससे हितग्राहियों को नुकसान हो रहा है। मैं राज्यपाल से फिर आग्रह करता हूं कि या तो इसे वापस करें या अपनी सहमति दें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले 2 विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद इसे राज्यपाल को भेजा गया था और उनके हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक अधिनियम बन जाते। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर बवाल जारी है। इसे लेकर कई बार राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी बन चुकी है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में 58% आरक्षण को निरस्त कर दिया था। इसके बाद आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, रोजाना सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। बघेल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक बिल पास कर दिया था और इस बिल पर साइन करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास भेजा था, लेकिन इस बिल पर राज्यपाल अनुसुईया ने साइन नहीं किए। इसके बाद सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। अब नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन पर भी कांग्रेस राजनीतिक दबाव का आरोप लगा रही है। देखना होगा कि पीएमओ की तरफ से क्या इस चिट्ठी का कोई जवाब आता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीएम बघेल की सरकार आखिर अगला क्या कदम उठाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।